हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप 2022-23 का पैसा कब आएगा। जी हां दोस्तों, स्कॉलरशिप के फॉर्म काफी क्वांटिटी में भर चुके हैं और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि डेट एक्सटेंड होगी और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों की ही डेट एक्सटेंड हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों, जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है उनके मन में ये सवाल है आखिर पैसा कब आएगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे और वेबसाइट पर ले जाकर दिखाएंगे क्या कुछ डेट्स वहां पर दी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है, कुछ नया सा लुक है इसका। यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर जितनी भी सेंट्रल की स्कीम होती हैं सारी की सारी यहां पर दी होती हैं और उनकी डेट्स दी होती हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था डेट एक्सटेंड होगी और यहां पर देखिए 15 नवंबर प्री मैट्रिक की हो चुकी है और पोस्ट मैट्रिक की 30 नवंबर हो चुकी है। अब दोस्तों, जब ये डेट फिनिश हो जाएगी इसके बाद में भी हो सकता है 15 दिन स्कॉलरशिप के और बढ़ा दिए जाएं। फिलहाल दोस्तों, पैसे की बात करते हैं तो जब हमारी अगर 15 दिसंबर तक ये फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो जाती है, उसके बाद में एक महीने का टाइम इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। तो ये एक महीने का टाइम यानी 15 जनवरी तक इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होंगे और डिफेक्टिव फॉर्म होंगे वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर चला जाएगा। दोनों जगह से फॉर्म वेरीफाई होने में करीब एक महीने का टाइम लग जाता है, डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से, यानी पूरे 2 महीने। अगर 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाते हैं तो 15 जनवरी 15 फरवरी यानी 15 फरवरी से आपकी स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टेट वेरिफिकेशन के बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली PFMS को सेंड किया जाता है और पेमेंट डलना शुरू हो जाता है, टोकन नंबर सबके जनरेट हो जाते हैं। तो यहां पर आइडिया लगाया जाता है कि रिन्यूअल जो फॉर्म्स हैं उनका पैसा जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग से आना शुरू हो जाएगा और जितने भी फ्रेश फॉर्म हैं उनका पैसा फरवरी के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग से आना शुरू हो जाएगा। और ये अमाउंट एक साथ नहीं आता है, करीब एक महीने तक ये प्रक्रिया चलती है, धीरे 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 सबके अकाउंट्स में पैसा डाला जाता है। तो आप ये ना समझे कि स्टार्टिंग में ही आपका पैसा आएगा, हो सकता है बीच में आए या हो सकता है लास्ट में आए, और इसका पैसा मार्च के महीने तक आता है। इसलिए जनवरी के लास्ट से लेकर मार्च के महीने तक स्कॉलरशिप सेंड की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेटस कैसे चेक करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर हमने बताया है कि आपको कैसे चेक करना है, आपका फॉर्म कहां पहुंचा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया होगा कि आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट कब आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल है नेशनल स्कॉलरशिप को लेकर कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।